ऑलराइट गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी को लेकर। तो बढ़ते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के रिलेटेड एक नई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो यार चलिए अब हम इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में स्टार्टिंग से बात करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जम्मू के दो व्लॉगर्स का एक ब्रूटल क्रैश हो जाता है जिनका नाम है दानू व्लॉग्स एंड फहीम नायक, जिसमें उनको एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी हिट एंड रन करके जाती है। एंड गाइज, यहां से आमिर माजिद की एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिस गाड़ी ने उस बाइक को हिट किया वो और किसी की नहीं बल्कि आमिर माजिद की गाड़ी थी। तो यार चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर गलती किसकी है। सो गाइस, इस पूरी क्लिप को एनालाइज करने के बाद मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पर बाइक वाले की गलती है, क्योंकि यार जहाँ पर ये लेफ्ट वाली लेन में चल रहे थे वहां पर ये अचानक से राइट वाली लेन में आ गए। तो इसके बाद क्या होना था, जो पीछे से आमिर माजिद अपनी राइट वाली लेन से आ रहे थे वो इस बाइक को हिट कर देते हैं। एंड गाइस, अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहाँ पर स्पीड के मामले में दोनों की गलती है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा तेज चल रहे थे। क्योंकि अगर हम बाइक वाले की स्पीड देखें तो वो नियर अबाउट 100 की स्पीड से चल रहे थे, एंड इतनी स्पीड होने के बावजूद आमिर माजिद ने उनको पीछे से हिट किया, तो सोचो उनकी कितनी स्पीड होगी। बट गाइस, यहां पर क्रैश होने के बाद आमिर माजिद की एक और बहुत बड़ी गलती है, एंड वो यह है कि आमिर माजिद उनको हिट करने के बाद वहां से भाग गए, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो इंसानियत के नाते उनको उठाते, साइड पर करते एंड वो देखते कि भाई जिंदा भी है या नहीं। बट वो क्या करते हैं, वो उनको हिट करने के बाद वहां से भाग जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत बात है। सो गाइस, वहां से भागने के बाद आमिर माजिद अप्रोच करते हैं वाइल्ड वुल्फ को, जो कि दानू व्लॉग्स के फ्रेंड है। तो गाइस, फहीम व्लॉग्स की साइड से वाइल्ड वुल्फ की एक रिकॉर्डिंग आउट हुई है, जिसमें वो ये बताते हैं कि आमिर माजिद ने बताया कि मैं वहां पर इसलिए नहीं रुका क्योंकि मेरे साथ मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, एंड मैं ये नहीं चाहता था कि वहां पर मेरी कोई वीडियो बनाए। और बोलने लगा मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ था अपनी, तो एक्सी क्या थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं फेस नहीं करना चाहता था वो चीज, मैं उस लड़की के साथ हूं, तो वो आगे लगे बना रहे, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं जाती। ऑल्सो गाइज, मैं आपको बता दूं, फहीम नायक की साइड से जो ये रिकॉर्डिंग आउट हुई है, इस रिकॉर्डिंग में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। सो गाइज, इसमें वाइल्ड वुल्फ दानू व्लॉग्स को बोल रहे हैं कि आमिर माजिद ने मुझे अप्रोच किया कि दानू व्लॉग्स को बोल मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करे, एंड वो उसको ये बताते हैं कि आमिर माजिद ने बताया कि मैं उसकी बाइक वगैरह सारा कुछ ठीक करवा दूंगा। मैं तो चाहता हूँ इसके ऊपर कंप्लेंट करूँ, जो करना है कर रहा हूँ, तेरे अपने अपने बिहाफ पे करना है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये बंदे हैं बहुत हरामी, ये सेटिंग कराने वाले बंदे हैं, तूने दुश्मनी वो नहीं लेनी है, तुझे ब्लॉगिंग करनी है, तुझे आगे बढ़ना है अभी। हाँ, तुझे अगर होगा तो इसके इससे बाइक के पैसे भी ले, जितना रिपेयर करने में बाइक के पैसे लगता वो ले इस बंदे से। सो गाइस, जैसा कि आपने सुन लिया, आमिर माजिद ने इस मैटर को लेकर वाइल्ड वुल्फ को क्या कुछ कहा था, एंड इस रिकॉर्डिंग के बाद वाइल्ड वुल्फ भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इस पूरे सीन के बाद दानू व्लॉग्स आमिर माजिद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड वाइल्ड वुल्फ की साइड से कल एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें वो आमिर माजिद के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा बोलते हैं, ये नहीं सोचना भाई किसी ने हिट किया, आमिर ने हिट किया या इन्होंने हिट किया, कोई दुश्मनी थी, कोई दुश्मनी नहीं थी भाई, दुश्मनी बस अनजाने में हो गई, मैंने चाहता कि लड़ाई आगे बढ़े, तो यार ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो यार, मतलब छोटी सी बात पे क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी यार। बंदा बोलते हैं ना कि आमिर भागता है यार, धोखा देके प्रो राइडर के टाइम भी भागा हुआ था, लेकिन मैं सच बात बोलूं मेरे साथ उसने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है आमिर, ऐसी बदनाम किया हुआ है लोगों ने, कुछ नहीं, फालतू में ऐसे बदनाम किया हुआ। सो गाइस, ये सब देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि दानू व्लॉग्स एंड आमिर माजिद के बीच कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बट ऑन दी अदर साइड जो फहीम नायक है उसको इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो इसके बाद क्या होना था, फहीम नायक की साइड से कल एक एक्सपोज वीडियो आउट हुई जिसमें फहीम नायक ने दानू व्लॉग्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि अपने ही बंदे पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपने ही बंदे जो है ना वो बिक जाते हैं पैसों पे। आमिर माजिद जो था उनके घर गया, उसने वहां पे जाके उससे कॉम्प्रोमाइज किया, उसको पैसे दिए, बाइक वगैरह ठीक कर, बोला कि ठीक करा के दूंगा, तो वो आमिर माजिद की साइड हो गए, जिस वजह से मैं अब लीगली क्या ही केस करूं, जब मेरा अपना ही दोस्त बेवफा हो गया तो मैं लीगली कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिकली गाइज, यहाँ पर फहीम नायक ये कह रहे हैं कि आमिर माजिद ने दानू व्लॉग्स को पैसे दिए चुप रहने के लिए। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो गाइज, फहीम नायक ने उनकी वीडियो में बताया कि उनके पापा पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट करने के लिए, बट पुलिस ने उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। एंड इसके बाद आमिर माजिद के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी आमिर माजिद से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जब 2 साल पहले आमिर माजिद की यूके के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो उस टाइम मैंने आमिर माजिद को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, बट बात यह है कि इतना सब सीन होने के बाद आमिर माजिद ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। अगर मेरा क्रैश हुआ, आमिर का मुझे कोई फोन नहीं आया, उसने सोचा दानू की बाइक है, दानू से बात करके बात खत्म कर देते हैं, फिर फहीम क्या ही कर लेगा, तो
सही बात है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं कुछ करूंगा आगे। मुझे मतलब एक टाइप से दबा दिया गया और मैं दब गया, आप समझो। तो गाइस यार बस यही थे इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड सारे अपडेट्स। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको फुल वीडियोस देखनी है तो आप जा करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट फिर से आमिर माजिद के रिलेटेड होने वाली है। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जब आमिर माजिद की यूके 07 राइडर के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तो तब ऑफिशियल भगत ने आमिर माजिद की सपोर्ट में दो गाने निकाले थे। बट गाइस अभी बहुत टाइम से हमें भगत और आमिर माजिद साथ में नहीं दिखे। सो गाइस कल भगत की साइड से एक गाना आउट हुआ जिसका नाम है एक बार, और मैं आपको बता दूं उस गाने में भगत ने एक वर्स में आमिर माजिद को भी डिस किया है, आप सुनिए। दोनों में एक पे भी गाना तरस नहीं, माजिद की यारी पे ट्रस्ट नहीं, धोखा देने वाला ब्रदर वो फर्स्ट नहीं, इसकी यारी पीछे डिस किया जोकर और लक्ष्य उन पे मारे इंसान के फर्स्ट भी, मुझे मेरी यारी पे कोई शक नहीं, एक यार देते धोखा लेकिन बेबी तू है जानती की आशु देता फक नहीं। सो गाइस यार जैसा कि आपने सुनी लिया, भगत ने आमिर माजिद के बारे में बात करते हुए कहा कि धोखा देने वाला वो फर्स्ट नहीं। एंड जैसा कि मैंने आप सबको पीछे बताया कि जब आमिर माजिद एंड यूके 07 राइडर की कंट्रोवर्सी हुई थी तो तब भगत ने आमिर माजिद को सपोर्ट किया था। सो उसके बारे में भी भगत ने अपने गाने में बात की। बाकी आप क्या कहते हो इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जानू स्टंट्स के बारे में। सो गाइस व्लॉग्स बाय सुमित की साइड से कल एक वीडियो आउट हुई जिसमें उन्होंने बताया कि जानू स्टंट्स ने एक नई स्कूटी ले ली है। ऑल्सो जानू स्टंट्स ने उनकी वीडियो बताया कि वो जल्द ही Z900 भी लेने वाले हैं। तो गाइस ये रही भाई जो मैं आपको बता रहा था, देख रहे हो। तो मुझे भी नहीं पता चला, मैं जैसे 2-3 दिन भाई बेड रेस्ट पे ही था तो आज ही निकला, आज ही देखी भाई कलेक्शन में ये भी आ चुकी है। एक Z900 लेनी है। क्या बोल रहे हो भाई साहब आप? Z900 लेनी है। कब? जल्दी, बहुत जल्दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर एंड रजत दलाल की कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस मैं आपको बता दूं, रिसेंटली रजत दलाल ने उनके व्लॉग में थारा भाई जोगिंदर को ट्रोल किया था। भी जब टाइट हो जाएंगे ना तो जैसे टांगों से खोले थे ना ऐसी टांगों से कसेंगे। अब जैसे तुम्हारा थारा भाई पंचर जोगिंदर ने ये पंचर तो लगा दिए। सो गाइस रजत दलाल की इस वीडियो के बाद कल थारा भाई जोगिंदर की साइड से एक रील आउट हुई जिसमें वो रजत दलाल को रिप्लाई किया, तो उन्होंने क्या कहा आप देखिए। एक पंचर लगाने वाला अपनी गाड़ी में पंचर लगा रहा है, मेरा नाम लेता है, आज के बाद थारा भाई जोगिंदर को बड़े सोच समझ के गाली देना, समझ गया? ये अपना सिस्टम किसी और को जाके दिखा, जोगिंदर चलता फिरता सिस्टम है, डेड लिफ्ट मारने से बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते, बुद्धि भी होनी चाहिए जो तेरे पास नहीं है, औकात में काम डाउन ब्रदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है थगेश की साइड से। सो गाइस रिसेंटली थगेश की साइड से एक वीडियो आउट हुई एंड मैं आपको बता दूं उस वीडियो में थगेश ने यूके 07 राइडर को भी ट्रोल किया। जी हां, जैसा कि आप सब यूके 07 राइडर के बॉक्सिंग वाले सीन के बारे में जानते ही हैं, तो उसी चीज को लेकर थगेश ने उनकी वीडियो में यूके 07 राइडर को ट्रोल किया, आप देखिए। यूके भाई जो लफड़ा सेंट्रल पे आए थे रिसेंटली, उन्होंने ओपन बॉक्सिंग चैलेंज दिया सारे क्रिएटर्स को, और जब क्रिएटर्स ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। नीरज गोयत भाई ने इंडिया में बॉक्सिंग प्रमोट करने के यूके भाई से कोलैब किया। जो हाल चल रहा है देख के लग रहा है प्रमोट नहीं डिमोट हो रहा है बॉक्सिंग। यूके भाई को लग रहा था ये बिग बॉस है, इधर भी कोई इनको सीरियसली नहीं लेगा, ले लिया सबने, एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है कैरी मिनाटी की साइड से। सो गाइस फाइनली विद इन 2 or 3 days कैरी मिनाटी की एक नई वीडियो आने वाली है जिसका नाम है कैरी मिनाटी वर्सेस सिग्मा मेल, जिसका की टीजर उनके इंस्टाग्राम से आउट हो चुका है, आप देखिए। हमारे स्पेशल गेस्ट सिग्मा टट्टे से। और भाई कैसे हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तरीका मिलने का? एक सिग्मा मेल ऐसे ही मिलता है। सो गाइस यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।